जय माता दी। भक्तजनों, एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन बाबा भोलेनाथ और अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन माँ सती को उम्मीद थी कि उनके पास निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना किया, कहा कि हमें यज्ञ में बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ सती नहीं मानी, वो बार बार यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। बहुत समझाने के बाद जब माँ सती नहीं मानी तो शिवजी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माँ सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुँची तो उन्होंने देखा कि कहीं भी शिवजी का स्थान नहीं था और ना कोई उनसे अच्छे से प्रेम से बातचीत कर रहा था। सब उनसे मुंह फेरे खड़े हुए थे, सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से अपने गले लगाया। लेकिन उनकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और भगवान शिव का भी अपमान तिरस्कार कर रही थी। और तो और, दक्ष प्रजापति ने भी शिवजी का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। सबका ऐसा व्यवहार देख माँ सती को बहुत क्रोध आया। वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और अगले ही पल उसी यज्ञ में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बारे में जैसे ही भगवान शिव को पता लगा तो शिवजी को भी क्रोध आया। वो गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। फिर उसके बाद माँ सती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया। वहाँ उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जिन्हें हम माँ पार्वती भी कहते हैं। फिर उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ और माँ शैलपुत्री भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी, जिनकी महिमा और शक्ति अनंत है। भक्तों, आपको जानकारी दे दें कि माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन मात्र से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन जो भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसा कि माँ शैलपुत्री का वाहन है वृषभ, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की ये कथा यहाँ समाप्त हुई। बोलो शैलपुत्री माता की जय।